आजी? जी हाँ जी, मैं अपने बेटे को बस घर लेके जाना चाहता हूँ। आप प्लीज उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दीजिए। देखिए, मेरा मशवरा तो है कि जल्दबाजी ना कर, बच्चे को अभी एक दो दिन हॉस्पिटल में रहने दीजिए, उसके लिए बेहतर होगा। वो डॉक्टर साहब, दरअसल फैमिली में एक इमरजेंसी हो गई है और उसकी वजह से बहुत अर्जेंट है उसे साथ लेके जाना। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दीजिए ना। ठीक, मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, एक हफ्ता बाकायदगी से बच्चे को देनी आप, उसकी खुराक का खास ख्याल रखना और कोशिश कीजिएगा कि जोर हजम खुराक उसको दीजिएगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आप। हाँ बेफिक्र रहिए, मैं अपने बेटे की मेडिकेशन, उसकी खुराक सबका ख्याल रखूंगा, बस आप जो भी मेडिसिन है वो लिख के दे दीजिए। ओके। उठू? चलो मेरी जान, चलो उठो, हम घर जा रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? हम मामा के पास जाएंगे, मामा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि रात में वो मेरे पास आएंगी। अब वो कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं। चलो उठो, घर जाना। मामा झूठी नहीं है पापा। गुड्डू, वो मुझे डांटती भी नहीं है, आप हमेशा मुझे डांटते हैं। प्यार भी तो करता हूँ ना आपसे गुड्डू, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैं आपका ख्याल रखता हूँ। मुझसे सिर्फ मामा प्यार करती है। मामा आएंगी मुझसे मिलने? गुड्डू वो अब नहीं आएगी, कितनी बार बताऊँ आप। चलो मेरा बेटा, मुझे तंग नहीं करो, घर जाना है, यहाँ पर दिल बहुत घबरा रहा है। मैं सामान निकाल रहा हूँ, आप उठो। सो गई है? हाँ, ये तो मेरे अल्लाह ने करम कर दिया, वरना कितनी पागल लड़की है ये। मैं तो बहुत डर गई थी अम्मी, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो। ये तो अल्लाह ने मेरी लाज रख ली, चार दिन के बाद इसकी शादी, क्या मुंह दिखाती हूँ लोगों को। मैं तो शुक्र कर रही हूँ नवीद घर पे नहीं था, अगर वो होता तो न जाने क्या हो जाता। और मुझे उस चुड़ैल की बड़ी टेंशन हो रही है जो इबाद के पास बैठकर पता नहीं क्या पट्टियां पढ़ा रही होंगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं हॉस्पिटल चली जाऊं। इबाद की कॉल है। सुनो, तुम कहो मैं रास्ते में आ रही हूँ, और सिद्रा के मुतालिक कोई बात ना करना। हाँ इबाद, मैं बस रास्ते में आ रही हूँ, गुड्डू के लिए यखनी बना रही थी तो इसलिए देर हो गई। हैदराबाद? लेकिन अच्छा, मैं इबाद, चलो एक नया मसला।